खबर शामिल करते हैं। सीनियर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भावनगर मोहम्मद असीम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद शहर मंडी सादिकगंज और मकलोडगंज में नजायज़ तजावजात की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना। मिंचनाबाद अक्सर ट्रैफिक जाम होने की वजह से खवातीन तलबा तालबात शहरियों और राहगीरों को अजियत से दोचार होना पड़ता है। मकलोडगंज में लारी अड्डा पर नजायज़ तजावजात की भरमार हो चुकी है। हाईवे और महकमा इनहार की सरकारी ज़मीन पर बासर कब्जा माफिया ने तजावजात कायम कर रखे हैं, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रखा है। हैर सुलेमान की रोड पर दुकानदारों और रेहड़ी बानों ने सड़क पर ही नजायज़ दुकानें सजाई हुई हैं, जिसके बायस आने जाने वाले राहगीर और मकामी शहरी शदीद अजियत में मुबतला रहते हैं। नजायज़ तजावजात की वजह से रोज़ाना घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। इसी तरह मेन बाज़ार मकलोडगंज मिंचनाबाद मंडी सादिकगंज के अंदर भी लोगों ने नजायज़ तजावजात कायम कर रखी हैं। तहसील इंतज़ामिया इस सारे मामले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और इस नजायज़ तजावजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने से गुरेजा है।